ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। फिल्म इंडस्ट्री में राजस्थान, ये प्रातःकाल लाइव का नया शो है जिसमें हम फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए राजस्थानी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता अनिल कुमार दाधीच। कई सीरियल्स, फिल्म और वेब सीरीज में भिन्न भिन्न भूमिकाओं में अपनी कला का जौहर दिखाने वाले दाधीच मेवाड़ के उदयपुर स्थित शाहपुर के मूल निवासी हैं और संन्यास की उम्र में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम फीचर फिल्म में अभिनेता इरफान खान के साथ उनके चचेरे भाई रमेश बंसल की भूमिका और वेब सीरीज सरपंच में भीमा राम का उनका किरदार जबरदस्त प्रसिद्ध हुआ है। देवानंद की जन्म शताब्दी पर मुंबई में आयोजित समारोह में उन्हें 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कई वेब सीरीज और फिल्म उनकी रनिंग है जो जल्द रिलीज होगी। दाधीच अपनी कहानी को लेकर खुद हाजिर हुए हैं, जो उन्होंने हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल के साथ हुई एक विशेष भेंट के दौरान बयां की है। तो आइए मिलते हैं दाधीच से और जानते हैं उनकी संघर्ष गाथा। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। इंट्रो में आप इनका परिचय जान ही चुके हैं। आप हैं दाधीच साहब, जो मूल रूप से उदयपुर के हैं और फिल्मी दुनिया में एक स्थापित कलाकार के तौर पर अपनी कला के जोहर दिखा रहे हैं। आज के इस इंटरव्यू में हम उनकी पूरी जर्नी जानेंगे कि कैसे वो इस फिल्मी दुनिया में आए और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इनका बचपन कैसे बीता, फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल उनको किस तरीके से मिले और आगे क्या मिलने की संभावना है। तो दाधीच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रातःकाल चैनल के तमाम दर्शकों को अनिल दाधीच का नमस्कार। मेरा बचपन शाहपुरा, जो पहले डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में आता था और शाहपुरा खुद एक जिला बन गया है, वहीं बीता। फादर वहीं जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, कलिंजरी गेट में हॉस्पिटल था और कलिंजरी गेट के प्राइमरी स्कूल में मेरी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी हुई। वहाँ पे हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, अभी भी हैं, ईश्वर उन्हें शतायु करे, श्री सदाशिव जी पाराशर। उन्होंने मेरे को स्टेज से पहला परिचय करवाया। चौथी क्लास में पढ़ता था तो उन्होंने कव्वाली तैयार करवाई थी, उसके बोल मेरे को आज भी याद है, कफन को चूम चूम कहर से झूम झूम, वतन के राहियों बढ़ो मेरे सिपाहियों बढ़ो, कदम न जाए थम कफन को चूम चूम। अब जरा कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे से बच्चे चौथी पांचवी के, वो कव्वालों की ड्रेस पहन करके फिर कव्वालियाँ गा रहे हैं और वो महलों के चौक में जब हजारों लोगों के बीच में जब वो बहुत प्रशंसित हुई, लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की, तो मुझे इतना मजा आया कि लगता है कि यार यही है जीवन। तो सबसे पहले जी कहते हैं ना कि वो अभिनय का कीड़ा जो मेरे को सबसे पहले उस वक्त लग गया। उसके बाद में तो हमारे कई शोज उन्होंने करवाए, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए, वहाँ पे मैं इस तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। सुगम संगीत, शास्त्रीय, मतलब जितने भी प्रोग्राम होते थे, मोनो एक्टिंग से लेकर के सामूहिक गान, सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब थे पीएस भार्गव, उनको नाटकों का बहुत शौक था, वो फैकल्टी वाइज कॉम्पिटिशन्स करवाया करते थे, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, और फुल फ्लेज प्लेस के हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे और वहाँ पे हम कॉमर्स में थे तो हर साल हम फर्स्ट आते थे। और हमारा तो काम यही था कि जो ही वो शुरुआत में ही जो दिसंबर में होता था तो हम लोग जुलाई अगस्त से ही तैयारियां शुरू कर लेते थे कि इस बार हम ये प्ले करेंगे। और उसके अलावा हम वो 15-15 मिनट की वहाँ पे वो जो इसकी शॉर्ट प्लेज के कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, उसमें भी हिस्सा लेते थे। तो दादी साहब, ये तो आपने जर्नी बता दी अपने बचपन की, लेकिन रुपेले पर्दे पर आने का शौक क्या बचपन से ही पैदा हुआ और इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बताइए आप। ये मुंबई में मेरा ये समझिए कि तीसरा प्रवास है, ये जो पीरियड मेरा जो चल रहा है, मैं तीसरी बार आया हूँ। अब यूँ समझिए कि एक सिस्टर की जिम्मेदारी थी और मेरे सारे के सारे सपने जो थे इस फील्ड में मेरे को आगे आने का, तो वो मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके थे।
मगर उस वक्त मुंबई से हमारे एक पत्र आया जो मेरे बड़े ब्रदर के एक मित्र थे मिस्टर राणावत, कीर्ति सिंह जी राणावत, उन्होंने मेरे को लिखा कि तुम ऐसा करो कि मुंबई आ जाओ, सिस्टर को वहीं पे किसी हॉस्टल में डाल दो। और मैंने सिस्टर को वनस्थली विद्यापीठ में डाला और मुंबई आ गया। मुंबई में आना एक अभिनय के क्षेत्र में चाहता था, मगर मेरे को यहाँ पे एक नौकरी करनी पड़ी। मगर उस ज़माने मेरे को अभी भी याद है कि फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाया करता था। पंकज कपूर, अनु कपूर को मैं देखा करता था पृथ्वी थिएटर पे। उनके वो शुरुआती संघर्ष के दिन थे, यूँ समझे वो जो आग जो थी वो मेरी बुझी नहीं थी, वो लगातार जलती रही थी। मगर जिम्मेदारी भी निभानी बहुत ज़रूरी थी, जिम्मेदारी मैंने निभाई। फिर सिस्टर की उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं वापस उदयपुर आ गया। और उदयपुर आने के बाद में फिर उसकी जॉब लग गई और फिर मैंने भी फिर उदयपुर में जॉब शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा वहाँ पे एक नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे एक बार मैं कहूँगा कि शिव का मेरे जीवन में कुछ विशेष स्थान रहा है। सदाशिव जी के बाद में मेरे को एक और शिव जी मिले, वो थे शिवराज जी सोनवाल। उनके साथ में मेरा ये नाटकों का सिलसिला सबसे पहले शुरू। उसके पहले मैं ये बताऊंगी, सिस्टर की शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। और फिर बाद में शादी के बाद में फिर एक जो एक और जिम्मेदारी जो आई है, मगर बाद में साथ में जो शिव जी मिल गए तो फिर प्लेज का सिलसिला शुरू हुआ। और उनके साथ में मैंने काफ़ी प्लेज किए। मैं एक्चुअली वहाँ जब काफ़ी प्ले जिसमें मैं मुख्य मुख्य मैंने अंदर आना मना है, अजन्मी दुनिया, कोर्ट मार्शल, प्रणवीर प्रताप, शब्द बीज, यूँ समझिए कि मैंने उनके साथ में बहुत डट के जिसे कहना चाहिए कि थिएटर किया। फिर मेरे को 14-15 में जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ फिल्मों में भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक विधा है अभिनय की। तो मैं 15-16 के अंदर वापस करीब 1.5 साल के लिए यहाँ पर मुंबई उस वक्त भी आया था। और यहाँ मैंने काफ़ी कुछ एक जो टीवी सीरीज वगैरह में काम किया, जिसमें सरोजिनी, कृष्णा दासी, एक ही लक्ष्य, और उस वक्त केशव पानेर एक फिल्म बना रहे थे जीना इसी का नाम है, उसमें मैंने एक सरपंच का किरदार निभाया। और जो मेरे साथ में को आर्टिस्ट थे उस वक्त आशुतोष राणा। और उसी दौरान मैंने एक राजस्थानी फिल्म भी की थी माँ, जो नागौर में एक महीने के लिए शूट हुई थी, और राजमंदिर में ये फिल्म 2 हफ्ते तक चली थी। ये तो जर्नी का आपने शुरुआती दौर बताया है, इसके अलावा भी आपने बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में भी आप पूरा विस्तार से बताएं। जी हाँ, इसके अलावा मैंने एक हर्षवर्धन, जो अनिल कपूर के जो सन हैं, उनकी जो पहली फिल्म आई थी मिर्जिया, उसमें मैंने SP का करेक्टर निभाया। और इरफान खान साहब की जो आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, उसमें वो मैंने उनके कजिन का करेक्टर निभाया था। उनके साथ में काम किए हुए जो 10-15 दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसके साथ ही मैं और चार्ल्स एक फिल्म आई थी जिसमें रणवीर हुड्डा थे, उसमें मैंने वकील का करेक्टर निभाया। और ये मुंबई किसकी है, ये बड़ी दिलचस्प फिल्म थी, इसमें मैं अदी ईरानी का फादर बना था। और ये फिल्म में मेरा जो शेड जो था वो एक करेक्टर जो था वो बाला साहब ठाकरे से प्रभावित था। और अदी ईरानी में इसमें राज ठाकरे का करेक्टर किया था। नाम वो नहीं रखे थे, मगर ये सारी स्टोरी कुछ तरह से बुनी गई थी कि मतलब लोग बाग इसमें समझ जाते हैं कि ये स्टोरी कहीं कहीं कहाँ से प्रभावित है। इसके साथ ही मैंने भगवान महावीर की अमरवाणी, स्वर्गीय श्रवण कुमार, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और उसमें मैंने करीब 10-12 करेक्टर किए थे। वो फिल्म महावीर स्वामी की डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर थी, उसमें आपने बहुत सारे करेक्टर निभाया। जी हाँ जी, वो यूट्यूब पर मैंने कुछ यूट्यूब पर कुछ दिनों पहले फिल्म देखी थी। जी हाँ, तो अलग अलग करेक्टर निभाए थे। जी हाँ जी, कितने करेक्टर थे आपके उसमें? करीब 8-10 करेक्टर। अच्छा, वो भी एक अलग तरह की फिल्म थी और मुझे करने में बहुत आनंद आया। इसी चर्चा के दौर में वापस हम इरफान खान साहब के उस यादों के सिलसिले की तरफ आते हैं। वो फिल्म जो थी वो उदयपुर में शूट हुई थी। जी हाँ जी हाँ, और घसीटा राम मिठाई वाले के तमाम दावेदारों में एक दावेदार आप भी थे। तो कितने दिन शूट हुआ इरफान भाई का, किस तरह का माहौल था, और उदयपुर में जब वो फिल्म उनके देहांत के बाद रिलीज हुई
तो आप उस समय मौजूद रहे वहाँ, कैसा लगा, क्या हुआ, उनकी कुछ दिलचस्प बातें आप बताएं। इरफान खान साहब का जब जिक्र आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल है वो बहुत ही, वो जो पीरियड जो था बहुत ही खूबसूरत पीरियड था। एक बार जब वो शूटिंग कर रहे थे तो अचानक उनको ऐसा अपने प्रोडक्शन वाले को बुलाया और उसे कहा कि यार, अरे यार वो मेरी किताबें ख़त्म हो गई यार, कुछ है क्या आप बुक कहीं आसपास में है क्या कुछ जहाँ किताबें मिलती हो, बुक स्टोर वगैरह? तो उसने लेके कहा कि साहब पास में ही है बापू बाजार में, मैं गाड़ी ले आता हूँ। गाड़ी क्या, स्कूटर निकाल। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, वो स्कूटर पे पीछे बैठे और वो गलियों में होते हुए दुकान पे पहुँचे, दो चार किताबें उन्होंने ली और फिर वापस जो अपने यहाँ पे पास में जहाँ पे वो सेट लगा हुआ था आउटडोर वहाँ पहुँच गए। बाद में दो चार दिन बाद में कभी उधर से निकला तो प्रोडक्शन वाले ने कहा कि तेरे को पता है चार दिन पहले कौन किताबें लेके गया? तो अगर हाँ यार वो कोई आए थे बिल्कुल ही, वो बिल्कुल अंग्रेजी की चार पांच किताबें वगैरह बेवकूफ़, वो इरफान साहब थे, उन ऊपर जो रुमाल वगैरह बांध रखे, वो रुमाल बांधा था आगे, यानी वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि लगता ही नहीं था आम आदमी में वो होकर निकल जाएगा। दादी साहब हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है मैं अटल हूँ जी, उसमें भी आपने एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर निभाया है, उसके बारे में बताइए। मैं अटल हूँ में मैं कुशाभाऊ ठाकरे का कैरेक्टर मैंने निभाया। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इसके साथ ही मेरी एक फिल्म भी जनवरी में जो रिलीज हुई थी वो थी श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस जी, इसमें मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मेरा एक इसमें करेक्टर था। दोनों फिल्मों को करने में मेरे को बहुत मजा आया। ये मेरी क्रिसमस हिंदी में भी बनी है और तमिल में भी बनी है। क्या बात ये, तो तमिल डायलॉग्स आपने बोले या डबिंग हुए हैं? नहीं ये तो खैर तमिल तो खैर डबी हुए थे, मेरे को तमिल इतनी नहीं है। बोले मेवाड़ी लोग तो जबरदस्त होते हैं। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सीरियल्स आपने बताए, फिल्में बताई, वेब सीरीज के दौर में भी आप अपनी पूरी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं आप। ये स्टेज ऐप ने अपनी जो पहली राजस्थानी वेब सीरीज बनाने का फैसला किया तो मुझे उस सरपंच वेब सीरीज जो बनी थी उसमें काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई, इसको हरियाणवी में भी डब करके हरियाणा में चलाया गया, इसमें मेरा एक मुख्य किरदार था। इसके अलावा लाखोट जो अभी चल रही है उसमें मेरे को काम करने का मौका मिला। इसमें मैंने साथ ही एक्टिंग के साथ साथ मैं डायलेक्ट कोच भी था। अरे वाह क्या बात है। दादी साहब आप हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे हैं, वेब सीरीज से जुड़े रहे हैं, राजस्थानी सिनेमा में भी आपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि राजस्थानी सिनेमा आज भी 90 के दौर में जी रहा है? ऐसा हम नहीं कह सकते, आज के जो नई जनरेशन्स हैं काफ़ी काम कर रही है। अभी हाल ही में उदयपुर के ही हैं मिस्टर जिगर नागदा, अच्छा, उनकी एक फिल्म बत्ती, ए बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म विनर रही है। अच्छा, और इसके जो हीरो हैं कुणाल मेहता, अच्छा, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। क्या बात। और ये फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा चुकी है, मतलब कुछ नया हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही आपको एक जानकारी दूंगा कि ये 9 फरवरी को इसका एक आईनॉक्स जयपुर में, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी अपना एक स्क्रीनिंग करवा रही है। चलिए अच्छी बात है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं। अब ये नई जनरेशन्स हैं इसमें काफी उस हिसाब से काम कर रही है। लोग ये कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में जाना है तो जवानी के दिनों में जाओ, लेकिन आप जो है पोते पोतियों को खिलाने के दौर में मुंबई आए हैं एक्टिंग करने के लिए, तो ये कैसे संभव हुआ और इसके पीछे किन लोगों का योगदान है? इसमें मैं सबसे पहले मेरी अर्धांगनी, अगर उनका अगर सहयोग नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रहा होता। उन्होंने शुरू से ही मुझे इस में, वहाँ जब शिवजी के साथ में थिएटर किया करता था तब से उन्होंने मुझे बहुत अपना कोऑपरेशन ही नहीं दिया, हर वक्त मेरे को फ्री रखा।
और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो भी मैं इसीलिए हूँ, वरना कौन पत्नी चाहेगी। मैं अगर शायद अगर मेरा परिवार अगर मेरे साथ में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रहा होता। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी की जिम्मेदारी अपने प्रति भी होती है। सारी जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद में, क्योंकि मेरे सब बच्चों की शादियाँ हो गई है, मेरी एक दो दो पोतियाँ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ दिस इज़ माई टाइम। मुझे वो तमाम चीज़ें जो मैं अपनी जवानी के दिनों में नहीं कर पाया था, अब मुझे करने का अगर मौका मिला है और मेरे को मेरी अर्धांगिनी के साथ साथ मेरे परिवार अगर मुझे को इसके लिए सहयोग कर रहा है तो डेफिनेटली। उदयपुर से मेरा मैंने मुंबई से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। चलिए मैं एक और सवाल के साथ आगे बढ़ता हूँ। जी हाँ, कि आप राजा बने हैं, महाराजा बने हैं, गुंडे बने हैं, पुलिस वाले बने हैं, तमाम तरीके के किरदार आपने निभाए हैं, लेकिन कहीं लगता है कि अभी जो किरदार आपको निभाना है वो आना बाकी है या मिलना बाकी है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वैसे तो अभिनय की भूख हमेशा एक अभिनेता को रहती है। कुछ एक इस तरह का मैं कॉमेडी करेक्टर करना चाहता हूँ जो इमोशनल भी हो और उसमें खेलने का काफ़ी मौका मिला है। ईश्वर ने कभी चाहे तो डेफिनेटली। चलिए बहुत अच्छी बात है। दादी साहब, आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं और क्या जल्दी ही रिलीज होने वाला है उसके बारे में बताएं। जी हाँ, उदयपुर के ही हैं लोकेश जी पालीवाल, उनके डायरेक्शन में मैंने एक फिल्म की है शाही फिंडल। उसका पोस्ट प्रोडक्शन करीब करीब रिसेंटली कम्प्लीट हो चुका है और 2024 में वो जल्दी ही रिलीज होगी। इसमें मेरा एक बहुत ही मतलब समझिए कि मुख्य किरदार है जी। और इसी के साथ एक संतोष शिवम की मैंने एक सरकारी दामाद वेब सीरीज की। अच्छा, अलीगढ़ में उसका करीब महीने भर का शूट था, वो भी हो चुका है। उसके भी यूँ समझिए कि सारा ये पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2024 में जल्दी ही वो भी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। वो तो एक बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं और इसका यूँ समझिए कि हम उस जमाने में हीरो तो नहीं बन पाए, मगर इसमें मैं हीरो के पिता का करेक्टर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जी जी, एक सवाल है। जी, फिल्मों की चकाचौंध देखकर छोटे छोटे शहरों के युवा बच्चे हीरो बनने के लिए मुंबई की राह माप लेते हैं। जी, लेकिन मुंबई शहर और फिल्म इंडस्ट्रीज को आपने बड़े करीब से देखा है। जी, यहाँ जो दिखता है उससे विपरीत होता है। जी, तो जो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? उन तमाम जो इस फिल्म में आना चाहते हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ पे भी हो, जैसा भी थिएटर चल रहा है, थिएटर ज्वाइन करें और वहाँ पे खूब सीखे। मुझे समझिए कि जितना आप थिएटर करेंगे, थिएटर करने के बाद में यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत इसके अंदर मतलब काम करने में सहूलियत भी होगी, वरना सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो सोकाल कई कुकुर मुत्ते की तरह पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहाँ पे इतना नहीं सीख पाओगे जितना आप थिएटर से सीख पाओगे। आज अगर मैं इतना कुछ कर पाया हूँ तो शायद वो शिवराज जी के साथ में जो मैंने थिएटर किया था और डट के थिएटर किया था मैंने, मतलब समझो कि सारे के सारे किरदार यूज, ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा। उसके साथ में मैंने एक भूपेश पंड्या के डायरेक्शन में मैंने एक वो किया था, उसमें भी हम दो करेक्टर थे और 2.25 घंटे का प्ले था। अच्छा, अरे वाह। भूपेश पंड्या जो भी वो उदयपुर के ही तो उदयपुर के ही थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। उम्र के इस दौर पर और इतना बहुत कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, ये कभी मन में अफसोस नहीं रहा कि ये चांस मुझे अगर उस दौर में मिल जाता? देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस दौर में मैं ये सब कुछ कर लेता तो शायद मुझे मेरी ये अर्धांगिनी जो मेरे आज है वो नहीं होती, मेरे ये बच्चे नहीं होते शायद, और मेरी ये दो बेटे नहीं होते, मेरी बहुएं जो जिन्होंने मुझे घर पे आके बेटियों की कमी पूरी की है, ये नहीं होती, और मेरे दो पोतियां, शायद ये परिवार नहीं होता। तो ऐसे परिवार के लिए तो मैं ऐसे कई करियर यानी कहते हैं कि न्यूछावर कर दूं। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। तो दोस्तों, ये थे दादी साहब जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, और बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही नाजुक दिल के इंसान हैं, और बहुत शिद्दत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी जर्नी बताई है। मिलते हैं एक और नए
कलाकार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।